हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो इन वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर बिगनर लेवल प्रॉब्लम फ्रॉम कोर्ट एंड द प्रॉब्लम इज हेल्पिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट अ प्रोग्राम विदेक्स एन इंटीजर एन एंड इफ द नंबर इज लेस देन टेन देन डिस्प्ले थैंक्स फॉर हेल्पिंग शेफ अदरवाइज प्रिंट माइनस वन तो बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल क्वेश्चन है हमें करना क्या कि एक नंबर को इनपुट कराना है अगर वो नंबर टेन से कम है तब हमें प्रिंट करना है थैंक्स फॉर हेल्पिंग शेफ वरना हमें प्रिंट करना है माइनस वन ठीक है तो इनपुट में क्या होगा फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मिलेंगे टी उसके बाद हमें हर लाइन में एक इंटीजर मिलेगा एन ठीक है हर टेस्ट केस के लिए हमें आउटपुट करना है स्ट्रिंग या फिर माइनस वन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ठीक है तो हमें करना क्या है सबसे पहले एक टेस्ट केस को इनपुट कराना है तो टेस्ट केस को इनपुट कराएंगे उसके बाद वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारे टेस्ट केसेस खत्म नहीं होते तो टेस्ट माइनस माइनस इस वाइल लूप के अंदर हमको क्या करना है इसके अंदर एक नंबर इनपुट कराएंगे इन टेन उसको इनपुट करा लेंगे उसके बाद हमको क्या करना है इफ कंडीशन लगाना है अगर हमारा नंबर इज लेस देन टेन तब हमें क्या प्रिंट कर देना है तब हम प्रिंट कर देंगे सी आउट जो भी हमारी स्ट्रिंग दी है थैंक्स फॉर हेल्पिंग शेफ और वरना हम क्या करेंगे वरना हम एल्स में जाके प्रिंट कर देंगे सी आउट माइनस वन और दोनों के बाद एंडल करना पड़ेगा हमें तो ये हमारा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है चलिए चलते आई डी में और इसको ट्राई करते हैं तो आ चुके अपने आई डी के ऊपर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं फ्लो ज़ीरो ज़ीरो एट नाम से इसे सेव करेंगे कंट्रोल एस कंट्रोल वी डॉट सी पी पी फ्लो जीरो ज़ीरो एट डॉट सी पी पी इसके अंदर हमको क्या करना है अपना कोड लिखना है तो चलिए लिखते हैं सबसे पहली लाइन आएगी एस टी डी नेक्स्ट हम आएंगे मेन के अंदर मेन के अंदर हमको क्या करना है यहाँ पे एक टेस्ट नाम का वेरिएबल बनाना है तो टेस्ट उसको इनपुट कराएंगे तो सी इन टेस्ट नेक्स्ट हमें जब तक टेस्ट जीरो नहीं होता तो वाइल टेस्ट माइनस माइनस तब तक हम अपना ये लूप चलाएंगे इसके अंदर हमको क्या करना है एक नंबर बनाना है इन टेन उसको इनपुट कराएंगे तो सी इन एन नेक्स्ट हमको क्या कराना है कि अगर ये नंबर लेस देन टेन है तो हमको स्ट्रिंग प्रिंट कराएं तो इफ एन इज लेस than टेन उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है उस स्ट्रिंग को हम कॉपी कर लेते हैं तो सी आउट क्या प्रिंट कराना है उसको हम एग्जैक्टली exactly कॉपी कर लेते हैं यहाँ से थैंक्स फॉर हेल्पिंग शेफ थैंक्स फॉर हेल्पिंग शेफ कंट्रोल सी यहाँ इसे हमको स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो डबल कोर्ट्स के अंदर लिखना पड़ेगा याद रखिएगा ये कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए सिर्फ एक ही बार कोट होनी चाहिए यहाँ पे उसके बाद हम एंडल कर देंगे आ... वरना हम क्या करेंगे अगर नंबर हमारा एन से 10 से छोटा नहीं है तो हम क्या आउटपुट कर देंगे सी आउट सी आउट माइनस वन तो इसे हम स्ट्रिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं नॉर्मली भी कर सकते हैं और उसके बाद इसे हम सेव करेंगे अब हम इसे टेस्ट केस के लिए रन करते हैं थ्री वन ट्वेल्व माइनस फाइव और रिजल्ट देखते हैं इसे हम क्रिएट प्रॉब्लम इनपुट में पेस्ट करते हैं और अब इसे रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए थैंक्स फॉर हेल्पिंग शेफ माइनस वन और थैंक्स फॉर हेल्पिंग शेफ जो कि हमारा करेक्ट आउट चलिए अब इस कोड को सबमिट करते हैं सबमिट पे क्लिक करें हमारी सबमिशन विंडो ओपन हो गई है अब यहाँ पे हम फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फाइल का नाम है फ्लो ज़ीरो जीरो एट तो फ्लो जीरो ज़ीरो एट सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे अब हमारी फाइल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस चलेंगे और फिर हमें आउटपुट मिलेगा अगर वो हर टेस्ट केस को सेटिस्फाई करता है तो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है इसके अलावा आपको अगर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है बिगनर लेवल प्रॉब्लम और मीडियम लेवल प्रॉब्लम की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे हम डेली क्वेश्चंस भेजते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं एट द एंड ऑफ द डे तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दी